आप लोगों ने मुझसे बहुत बार पूछा है कि सर हम एजुकेशनल चैनल YouTube पर बनाकर पैसे कैसे कमा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि कौन कौन से तरीके हैं वीडियो बनाने के, और उसके बाद इस वीडियो में आपको मोबाइल से एक एजुकेशनल वीडियो बनाना बताऊंगा। सिर्फ और सिर्फ मोबाइल के जरिए आप वीडियो बनाकर अपलोड कर सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगी योगेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल योगी। इस वीडियो को आप अभी से लाइक कर सकते हैं क्योंकि वीडियो में आपको काफी मजा आने वाला है, और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम तरीकों की बात करते हैं, फिर मैं आपको वीडियो बनाना सिखाऊंगा। तो देखिए, एजुकेशनल वीडियो बनाने के लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो है आपका नॉलेज। आप कौन सा नॉलेज रखते हैं, इंग्लिश का रखते हैं, या फिर आपको गणित का बहुत अच्छा नॉलेज है, या फिर आपको साइंस का नॉलेज है, या आप जी के अच्छा पढ़ा सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है कि आप पढ़ाना क्या चाहते हैं। तो उसकी आपको नॉलेज काफी अच्छी होनी चाहिए। चलिए अब बात करते हैं पढ़ाने के तरीकों पर। तो देखिए, सबसे पहला तरीका बहुत सस्ता, एक मोबाइल। इस मोबाइल के जरिए आप काफी अच्छी वीडियो बना सकते हैं, और ऐसा लगेगा वीडियो जैसे अपन हाथ से लिखते हैं ना, बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा वीडियो। अभी मैं आगे इस वीडियो में बता के आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से आप बना पाएंगे, ठीक है। इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, सिर्फ आपका मोबाइल आपके काम आएगा। अगर आप लाइव पढ़ाना चाहते हैं तो आपको एक पीडीएफ बनानी पड़ेगी, और पीडीएफ के थ्रू आप इसी मोबाइल से लाइव भी आकर पढ़ा सकते हैं। तो ये तो दो तरीके हुए सिर्फ मोबाइल के। मोबाइल का एक तीसरा तरीका और है, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। आप चाहे तो एक व्हाइट बोर्ड खरीद सकते हैं, अपने घर पर एक रूम में एक दीवार पर लगा सकते हैं, और एक लाइट ले सकते हैं, एक या दो लाइट आपको चाहिएगी, और आप उसको मोबाइल से ट्राइपॉड पर लगाकर मोबाइल रिकॉर्ड भी कर सकते हैं लेक्चर, उस तरह भी आप पढ़ा सकते हैं। और अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप कैमरे से भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। एक और तरीका, अगर आपके पास लैपटॉप है या फिर कंप्यूटर है, तो आप इस तरह के एक डिजिटल पैड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो डिजिटल पैड है, ये आपको 6,000 रुपए के आसपास काफी अच्छा मिल जाता है। इससे भी ये जो पेन है, इस पर आप जो लिखते हैं आपके लैपटॉप में वो सब आ जाता है, और उसको आप रिकॉर्ड करके भी बच्चों को पढ़ा सकते हैं। ये भी एक तरीका है। और आप इससे भी ज्यादा, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप डिजिटल बोर्ड के माध्यम से भी पढ़ा सकते हैं। तो ये तो वो तरीके हैं जिनसे आप पढ़ा सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन ये मोस्टली यूज किए जाते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप 1 रुपया भी इन्वेस्ट नहीं करेंगे और सिर्फ मोबाइल से काफी अच्छा एजुकेशनल वीडियो कैसे बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले ट्यूटोरियल। दोस्तों, मोबाइल से एजुकेशनल वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपको दो एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट होगी। एक होगा आपका स्क्रीन रिकॉर्डर, और मैं यहां पर AZ स्क्रीन रिकॉर्डर यूज करता हूं। आप इसको भी कर सकते हैं, या आपको कुछ और अच्छा लगता है तो और कोई भी स्क्रीन रिकॉर्डर आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरी जो एप्लीकेशन है, ये है पावर पॉइंट। और ये जो पावर पॉइंट है, ये काफी पॉपुलर एप्लीकेशन है, कंप्यूटर पर बहुत ज्यादा यूज होती है, माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से आती है। इसको आप यूज कर सकते हैं, और इन दोनों के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो यहां पर देखिए, पावर पॉइंट को हमने यहां पर ओपन कर लिया, और यहां पर हमको जब इस तरह का ऑप्शन मिलेगा तो यहां पर ऊपर एक प्लस का निशान है, इस पर हमें क्लिक करना है। अब चाहे तो आप उंगली यूज कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे स्टाइलस यूज किया है, ये भी आप परचेज कर सकते हैं। 100 रुपए का आता है, कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, आपको अमेजन पर मिल जाएगा। हो सकता है मैं इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूं। तो यहां पर देखिए, वैसे तो पूरा का पूरा पावर पॉइंट जैसे आप करते हैं कंप्यूटर में यूज, वैसे आप मोबाइल में कर सकते हैं, लेकिन आज का टॉपिक हमारा ये नहीं है कि पावर पॉइंट को मोबाइल में कैसे यूज करें। हमारा टॉपिक है कि भाई हमें एजुकेशनल वीडियो बनानी है। तो यहां पर जो ब्लैंक प्रेजेंटेशन है, इसको हम यहां पर चूज कर लेंगे। यहां पर हमने चूज कर लिया, तो यहां पर ये कहता है कि आप ऑफिस भी चाहे तो यूज कर सकते हैं, लेकिन हमें ऑफिस यूज नहीं करना है, ठीक है। तो मैं यहां पे बैक कर लेता हूं, मुझे सिर्फ करना है पावर पॉइंट यूज, ठीक है। इसके बाद आप अपने मोबाइल का जो है ऑटो रोटेट जो है उसको आप चालू रखें, देख ले मैंने कर रखा है चालू, और यहां पर इसको मोबाइल को जो है घुमा ले, और इस तरह से आप इसका यूज कर लें, ठीक है। इस तरह से ये मोबाइल यहां पर मैंने रख दिया, ठीक है। अब यहां पर देखिए, ऑप्शन यहां बहुत सारे हैं, आप नीचे देखेंगे तो बहुत सारे आपको ऑप्शन नजर आएंगे। एकदम एग्जैक्ट सारे ऑप्शन आपको वही मिलेंगे जो पावर पॉइंट में आपको मिलते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, देखिए ये जो हमारा एक स्लाइड है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, डबल टैप टू ऐड टाइटल, तो इसको हम डिलीट कर देंगे। इस पर हमें क्लिक करना है नॉर्मली, और यहां पर हम डिलीट कर देंगे, और इस पर क्लिक करना है और इसे हम डिलीट कर देंगे। इस तरह से हमको स्लाइड बना लेनी है। मान लीजिए हमको 6 सवाल बताने हैं एक वीडियो में, या 5 सवाल बताने हैं, तो एक स्लाइड में हम एक क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे। तो यहां पर हम मान लीजिए 5 सवाल की एक वीडियो बनाना चाहते हैं, तो यहां पर हम क्या करेंगे, स्लाइड यहां पर प्लस करके, देखिए मैंने यहां पर प्लस किया, यहां पर अपन प्लस करेंगे, ठीक है, और यहां पर अपन स्लाइड ले लेंगे। तो यहां पर देखिए टोटल 5 स्लाइड हो गई, और जितनी भी स्लाइड है, देखिए जैसे 2 नंबर पे स्लाइड थी, मैं इसको भी इस तरह से ही डिलीट कर दूंगा, और ये हमारा ब्लैंक हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम स्लाइड यहां पे चूज करेंगे, ठीक है। तो यहां पे फर्स्ट स्लाइड है। अब देखिए करना क्या है हमको, मान लीजिए हमको ये स्लाइड हमारी तैयार हो गई,
जब हम ये कर रहे होंगे तो हमें अपना स्क्रीन रिकॉर्डर भी मोबाइल का चालू कर देना है ताकि हमारी जो वीडियो है वो रिकॉर्ड होना शुरू हो जाए। अगर आप स्क्रीन रिकॉर्डर यूज़ करना नहीं जानते हैं तो आपको आई बटन में लिंक मिलेगा, जाकर आप वीडियो देखें, आप स्क्रीन रिकॉर्ड करना सीख जाएंगे। तो यहाँ पर एक ऑप्शन है प्ले का, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस तरह का ऑप्शन हमारे सामने आएगा। यहाँ ऊपर आप देखेंगे तो आपको यहाँ तीन ऑप्शन नजर आएंगे। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन नजर आएंगे। ये है, ये देखिए, ये जो है पेंसिल का निशान है। यहाँ पर आप कलर चेंज कर सकते हैं अपने वर्ड्स का, आप चाहे जिस कलर में लिख सकते हैं। ये इरेजर है, यहाँ इरेज ऑल है, और यहाँ पर ये पेंसिल है, ठीक है, और आप समझ गए होंगे। अब इरेज, तो यहाँ पे मैंने पेंसिल लिया, पेंसिल मैंने लिया, और देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, मुझे यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। मान लीजिए मुझे योगी लिखना है तो मैं यहाँ पे इजीली योगी लिख पाऊंगा। तो आज मैं इसे यूज कर रहा हूँ, आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत अच्छे से लिख पाएंगे। आप उंगली से भी लिख सकते हैं, ये देखिए आप इजीली लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप इधर प्रैक्टिस करेंगे काफी अच्छे से सीख पाएंगे, ठीक है। मुझे इसको इरेज करना है तो यहां पे मैं जाऊंगा, एक अक्षर इरेज करना है तो एक अक्षर इरेज कर दूंगा, और अगर मुझे पूरा इरेज करना है तो पूरा का पूरा मैं यहां पे इरेज कर दूंगा। यहां तक आप समझ गए। अब बात करेंगे कि चाहे तो आप ऐसे ही पढ़ा सकते हैं बिल्कुल सीधा का सीधा, चाहे तो आप इसमें सवाल लिख सकते हैं। सवाल कैसे लिखेंगे, चलिए वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। सवाल लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर हमको सबसे पहले बैक जाना पड़ेगा। मैं आपको शुरुआत से बताता हूं, देखिए मान लीजिए ये हमारा फर्स्ट स्लाइड था और हमें पांचों स्लाइड पर एक एक सवाल लिखना था। तो यहां पर जो ए आपको दिख रहा है इस पर हम क्लिक करेंगे, टेक्स्ट यहां पे आ जाएगा। ये टेक्स्ट का ऑप्शन है और यहां पर आप कोई भी सवाल टाइप कर सकते हैं। मैंने एक सवाल टाइप करके कॉपी किया हुआ है, मैं यहां पे जस्ट पेस्ट कर देता हूं। तो दोस्तों हमने यहां पर काफी अच्छे से अपने सवाल को सेट कर लिया। अब ये जो हमारा सवाल था इसका हम साइज घटा बढ़ा सकते थे फॉन्ट का, तो मैंने फॉन्ट भी थोड़ा मोटा कर लिया इस पे। और अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे लेने के लिए ये जो पेंसिल इसको लेने के लिए पट्टी आती है तो आपको दिखाई नहीं देगी, किसी को भी दिखाई नहीं देगी। तो अब हम इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुकेश ने भाई 5 रुपये में 2 एप्पल खरीदे, तो अपन समझा सकते हैं बच्चों को कि भाई देखो 5 रुपये हमारे खर्च हुए, उसके बाद 10 रुपये में एक बेचा 10 रुपये, इसके बाद उसने दूसरा बेचा 15 रुपये में, ओके, तो टोटल जो हुआ कम मतलब 25 रुपये का सेल हुआ। तो ये 25 रुपये का तो सेल हो गया उसका, और माइनस करेंगे 5 तो यहाँ पर 20 रुपये जो है उसको मुनाफा हो गया। इस तरह से हम सवाल को समझा सकते हैं। इसके बाद एक स्लाइड खत्म हो गई, दूसरा सवाल दूसरी स्लाइड में लिख सकते हैं। सॉरी ये इरेज कर देता हूं मैं अभी इसको, इस वाली लाइन को, ठीक है, तो इस वाली लाइन को इरेज कर दिया। अब हमें दूसरा सवाल करना था, ठीक है, तो दूसरे सवाल के लिए हम स्लाइड को ऐसे चेंज करेंगे। तो ये ब्लैंक के स्लाइड, तो आप इस पे भी सवाल लिख सकते हैं, और ऐसे बहुत सारी स्लाइड बनाकर अपना वीडियो रिकॉर्ड करके लोगों को अच्छे से पढ़ा सकते हैं। आप इस पे जितना प्रैक्टिस करेंगे थोड़ा सा, बहुत अच्छे से एजुकेशनल वीडियो बनाकर स्क्रीन रिकॉर्ड करके मोबाइल से और अपना एजुकेशनल चैनल चला सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा, और किस तरीके से आप वीडियो बनाना चाहते हैं, आप सीखना चाहते हैं, मुझे कमेंट जरूर करें, मैं उस पर भी ट्यूटोरियल बनाने की कोशिश करूंगा। ये वीडियो सच में पसंद आया तो लाइक शेयर करना ही करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पे क्लिक कर लीजिए, ताकि ऐसी वीडियो जब भी मैं बनाऊं अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन आ जाए। मैं मिलता हूं आपसे फिर किसी नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।